अपनी ये पैकिंग हो गई है, चार पांच जोड़ी नहीं, चार जोड़ी शूज रख लिए हैं, एक वो पहन के जाने ये वाली। हाँ, क्या चल रहा है तेरा? अले अभी तो लगी भी ना एक्टिंग की बात नहीं होता। अरे अरे ज्यादा ही जल्दी है दीदी को। चलो कोई बात नहीं भाई, बोर्डिंग पास ही लिखा हुआ है। पूरे बैग उठा दे, बैग ही छोड़ दे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को हेलो। आई होप सब भी बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी तबीयत वबीयत भी ठीक हो गई है और अपनी शॉपिंग पैकिंग जो भी होनी थी फिनिश हो गया। अभी लास्ट एक काम रह गया, ये बाल कटाने का। शाम को 8:45 की अपनी कहीं जाने की बात है। आज हम जा रहे हैं, मतलब फाइनली पहुँच जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं और इतने दिन से जो ये कर रखा था कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो वाला सीन। तो भाई आज फाइनली आप सभी को पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट ट्रिप हम कहाँ की करने वाले हैं। अपनी बुलंदशहर टू कन्याकुमारी की फिनिश, कन्याकुमारी टू बुलंदशहर 3000 किलोमीटर का चैलेंज, वो भी फिनिश पूरे एक हफ्ते में, एक वीक में 3000। और लास्ट वाले दिन में तो 1000 का रिकॉर्ड कायम करा था, जो कि अब पता नहीं कब तोड़ूंगा मैं उस रिकॉर्ड को, और जल्दी ही तोड़ दूंगा। वो मैंने खुद से बनाया एक दिन में 1000 किलोमीटर का। तो अभी अपने हेयर कट, मतलब अभी अपने जाना है गाँव सैलून हेयर कट लेना है यार, क्योंकि आने के बाद में ना तो हेयर कट ही हुआ, क्योंकि रात भी मैं सोचा था जाने का, रात दादरी चले गए थे हर्ष के घर पे, क्योंकि भैया भाभी की एनिवर्सरी थी। तो ऐसे ही हुआ, टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा, कि पहले अंकल को छोड़ने गुड़गांव आ गया था, आपने सभी ने देखा। तो जल्दी जल्दी हो रहा है, तो अब यही है देखो, जल्दी जल्दी करनी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आम जिंदगी नहीं रही। हम यहाँ चीज इस चीज़ पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, तो भाई थोड़ा सा जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा हर चीज़, टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, स्लीप साइकिल अच्छे से करनी पड़ेगी। अब रात में वहाँ चले गए तो रात में पूरा दिन यहाँ पे सोए, अभी उठ के अब सबसे पहले तो देखो पैकिंग करिए। अब चलो तो मैं पैकिंग दिखाता हूँ कि पैकिंग वैकिंग देख रहे हो, पूरा फैला रखा है। ये अपने तनिष्क की पैकिंग हो गई है, देखो क्या हाल कर रखा है पूरे फ्लैट का। अपनी अपनी ये पैकिंग हो गई है, चार पांच जोड़ी नहीं, चार जोड़ी शूज रख लिए हैं, एक वो पहन के जाने हैं। ये फुल बैग कपड़ों का है, इसमें जो रह गए थे ये मेरा और हर्ष का है, मतलब उधर की तरफ जीन्स हो गए हैं, यहाँ टी शर्ट वी शर्ट और सब, और ये इधर जो बाकी की टी शर्ट्स या कुछ भी शर्ट्स रह गए, और इसमें हो गए शूज। तो सभी को पता ही होगा भाई मैं शूज का शौकीन हूँ, और कुछ देखो हाल क्या कर रखा है यहाँ पे। वॉच वॉच चलो ठीक है, सबसे पहले आईपैड भी चार्जिंग में लगा दिया, ऐसे भी लेके जा रहा हूँ, और तो कुछ है ही नहीं बाकी का। हाँ हो गया फिनिश, अपनी है स्ट्रिट सुई पड़ी है, अपने कपड़े ये पहन के जाने हैं, हर्ष के देख रहे हो क्या हाल कर रखा है इस पूरे फ्लैट का। तो अभी थोड़ी सी खांसी रह गई है, अभी चलो भाई चलते हैं, सबसे पहले ना हेयर कट लेते हैं, और शाम को निकलना भी है, एयरपोर्ट भी पहुँचना है। 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, कोई 6 बजे तक पहुँचेंगे, हाँ सही है, और फिर एयरपोर्ट पर जाके मजे लेंगे। अब जा कहाँ रहे हैं ये तुम्हें पता चल जाएगा जल्दी से, तो जा किस चीज़ से रहे हैं वो आपको शाम को ही पता चलेगा, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले जाके करवाते हैं अपने हेयर कट एंड बियर्ड भी सेट करानी है, तो चलते हैं और यहाँ के नज़ारे दिखा दूँ पहले जहाँ पर मैं रहती। यहाँ के कुछ नज़ारे ऐसे हैं, और पूरे के पूरे बिल्डिंग है, ये सेक्टर 103 है सर, और देख रहे हो भाई ये गार्डन, मतलब लाइक अलग ही लगता है लेवल का। ऊपर से हाँ पता चलता है कि कहाँ कुछ कुछ कारीगरी हुई है, हाँ कि कुछ बनाया है, इसी बात के तो पैसे हैं। चलो भाई चलते हैं, तनिष्क चल भाई, कितने देर में, बहुत जल्दी आ जा, चल रहे हैं भाई, लेट हो रहे हैं, आके नहाना भी है क्योंकि और भी काम है, दो चार चीजें। भाई हर्ष ये जल्दी से इन्हें चेन लगा के पैक कर दे इन्हें भाई, तो सिस्टम हैंग कर दूंगा। देखो हर्ष को, देखो हर्ष क्या करता कर रहा है, अब अगर ये खड़ा ना हुआ मैं इसमें गोली मारूंगा। कौन सी ये वाली? हाँ क्या चल रहा है तेरा? अले अभी तो लगी भी ना एक्टिंग के, 50 रुपए काटो इसकी। अरे तेरे 50 रुपए काट इसके एक्टिंग के, इसे लेके चल ले। मार दो क्या? एस्टेट इधर आ, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो चलो, हाँ बहुत बढ़िया, चलो बाहर,
चलो बैठ जाओ, सेट मार दो क्या है, पिछवाड़ा होगा। अच्छा गेट लगाएगा, ठीक है। चलो तो भाई निकल गए हैं, अपनी पैकिंग वैकिंग हो गई थी, वो दिखाई दिया था। नीचे कैब आ गई है, कैब आ गई है, निकलते हैं। ये क्या हो रखा है, तो पानी वानी बिखेर रखा है। वाओ तूने, अरे हर्ष। चलो तो भैया रखो जल्दी जल्दी, और अपनी कैब आ गई है, वेट कर रही थी नीचे। और यहाँ पे भैया ब्लू कैब चलती है, अब चलते हैं, निकलते हैं, पहुँचते हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं भैया, हम बताना नहीं है। कहाँ चमक रहा है तुम्हें? तो भाई निकल गए जहाँ पे निकलना था, अभी पहुँच कर रहे हैं, अभी तुम्हें पता ही चल जाएगा। और देखो ये ट्रिप एकदम से प्लान हुई है, वैसे प्लान तो मैंने पहले ही कर ली थी, सही बताऊँ तो आने से पहले ही, जब कन्याकुमारी में था और मैंने चैलेंज लिया था 3000 किलोमीटर का, कि भाई बैक टू बैक करते हैं। एक वीक में हो गया था कम्प्लीट, तो साथ के साथ जब भी बना ली थी कि भाई पिछले साल क्या हुआ था, मैं पिछले साल भी जाना चाहता था वहाँ पे, सीज़न था इस टाइम पे, सीज़न ही होता है जनवरी टू फेब एंड मार्च तक सीज़न ही चलता है वहाँ का। तो पिछले साल हम ओली चले गए थे, तो इस बार मैं कहा ये भी कर लेते हैं, ये रह गया था तो इस बार ये कर लेते हैं। तो अभी क्या है, जा कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं कैब से, अब कहाँ जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जाने के बाद में। और अपनी बाइक से क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं, इससे क्यों जा रहा हूँ ऐसे, या फिर अपनी कार से क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक का पता है RS 200 में इंजन में कुछ दिक्कत हो गई है, और साथ के साथ ही भाई अभी गाड़ी भी नहीं ले जा सकता क्योंकि नंबर ही नहीं आया उसका, नई वाली का। और पुरानी का ऐसा है कि BS4 हो गई है, दिल्ली विल्ली में तुम्हें पता ही है क्या सीन चल रहे हैं उसके। तो चलो उसे भी छोड़ो अभी, अभी फ़िलहाल अभी हम कैसे जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर में आपको पता ही चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सरप्राइज, कहीं तो जा रहे हैं, बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब मैंने बता दी, अब बताने का टाइम आने वाला है, अभी बताया नहीं है, मैं कह रहा था मैंने बता दिया भैया। चलो अभी सबसे पहले अंदर चलते हैं और कहाँ जा रहे हैं वो सब बताते हैं धीरे धीरे। टर्मिनल 2 पे आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ भाई राइट से, और अभी एंट्री करते हैं। और एक चीज़ और बतानी है, पहले आप एंट्री कर लें फिर जाके मिलते हैं, ठीक। तो भाई सबसे पहले अपना लगेज चेक इन करवा लेते हैं, और लोग वही हाल है भाई, लोग कहीं भी पहुँच जाओ, देखो देखो ऐसे, मतलब लाइक पता नहीं कौन सी जल्दी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे लाइन वाइन लग रही हो, अलग ही चल रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, ये चीज़ देख के थोड़ा सा ऐसे ही लगता है, मतलब कि चल क्या रहा है। चलो भैया कोई बात नहीं, हम तो अरे अरे ज़्यादा ही जल्दी है दीदी को। चलो कोई बात नहीं भाई, यार ये चल क्या रहा है, हाँ वीडियो बन रही है भाई। जो होती है सिक्योरिटी चेक इन, और जैसे ये देख रहे हो इसमें अपने फ़ोन वोन और बेल्ट वेल्ट उतार के ऐसे रखनी होती है, और बैग यहाँ पे जाके चेक हो जाते हैं। दूसरा बैग भी है, अपने वायर वायर भी सब इसी में रखने होते हैं, अगर बैग में है तो लेके आते हैं दूसरा भी। भैया भूख लगी थी, पेट पूजा हो जानी चाहिए, और भैया को कुछ इडली डोसा ज़्यादा ही पसंद आ गए मेरे व्लॉग देखने के बाद में। और मेरे भाई ऐसे हो गए, मैं खा खा के पक गया था, बट चलो कोई बात नहीं, इसका मन रखने के लिए हम भी खा ही लेते हैं। और ये कुछ डोसा मंगाया था और ये इडली फिनिश हो गई है वीडियो बनाने में, कि वो क्या है कि भाई ब्लॉग अपलोड हो रहा था तो वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, इसलिए बाद में बना रहा हूँ। तो अभी क्या था, मेरे को क्या बताना था, चलो पहले खा लेता हूँ फिर बाद में बताऊँगा जो एक मेन। तो हाँ जो एक चीज़ बतानी थी मेरे को, एक बात बतानी थी, अभी क्या है एक ऐप जो है, अभी ऐप लॉन्च हुआ है एक डिजी यात्रा करके, डिजी यात्रा DIGI YATRA, तो ये इजी टू वे है एयरपोर्ट में चेक इन करने के लिए। गेट पे से CISF जो खड़ी हुई होती है वो फिर आपके टिकट और आधार कार्ड चेक करके आपको एंट्री देती है। तो आपको क्या करना है, बाहर ऑप्शंस होते हैं, तो एक गेट होता है वहाँ पे, क्या है कि वहाँ पे अपना बार कोड ओपन करके, मतलब सबसे पहले आपको अपने नंबर से लॉग इन करना होता है और KYC करके अपने आधार कार्ड की प्लस PNR नंबर करके ऐप को इंस्टॉल कर लेना है ऐप में। ये सब चीज़ें करने के बाद में जब यहाँ पर आप चेक इन करते हो तो मशीन्स लगी हुई हैं, उसमें बार कोड स्कैन करने के बाद में आप चेक इन कर सकते हो एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद में, साथ में ही
फिर आपको लगेज चेक इन करनी है और फिर ऐसे सिक्योरिटी चेक इन, तो आप इजी टू वे अभी ये ऑप्शन आ गया है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। और फिर आके यहाँ पे आपको जहाँ भी वेट करना है आप जाके अपने बोर्डिंग गेट के पास में जाके वेट भी कर सकते हो, नहीं तो भाई भूख भूख लगी है हमारी तरह, जैसे कि अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, दोनों पता नहीं कहाँ गए हैं इधर की तरफ, उन्हें भी पता नहीं कुछ खरीदना है या पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, दोनों उछल कूद मचाते रहते हैं हमारे दोनों दोस्त मित्रगण जो कि हमारे साथ जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं अभी आपको पता चल गया, धीरे धीरे पता ही चल जाएगा, लास्ट में पहुँच के अभी इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा कहाँ जाने वाला हूँ मैं। और भाई अपनी बाइक वाइक से क्यों नहीं जा रहे हैं वो भी पता है कि बाइक ख़राब हो गई है, और प्लस अभी कार से वैसे जाने को जा सकते थे, अब जैसे इतना जितना टिकट हमारे टिकट हुए हैं 38,000 के आसपास हुए हैं, कितने का तेल नहीं पुख्ता, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ जाना था, यहाँ पे जाने का पहले भी मन था तो अभी जा रहे हैं और पता चल जाएगा भाई, वेट कर लो थोड़ा सा। चलो तो गाइस बोर्डिंग कर ली जाए, और खुशी देख रहे हो दोनों लोंडो की अलग ही खुश है, अब जा कर रहे हैं थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, अभी देखते जाओ बस होने वाला क्या है। 52 भी गई हम तीनों ने, तो तीनों जा रहे हैं साथ में, ये आरसे ये तनिष्क, तो भीड़ बहुत है भाई हमारे साथ, जनता जा रही है पीछे देखो कितनी जनता जा रही है। क्या चल रहा है अभी दोनों का? बोर्डिंग पास ही लिखा हुआ है। चलो कोई बात ना, तुम दोनों बालक हो, मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है? नहीं पापा जी, आप भी नहीं बैठोगे। नहीं हम बैठेंगे भाई, नहीं अब भाई बड़े लोग हैं, हमारे हाथ में तुम देख नहीं रहे कैमरा है, पापा जी आपने फोन दिला रखा है। क्या चल रहा है? काम चल रहा है स्टोरी का। अरे अरे कुछ ज़्यादा ही बड़े वो हैं कंटेंट क्रिएटर भाई साहब, हमसे एडिट करवाए देखो थोड़ा बहुत, और इनसे कुछ आता ही नहीं है, और तो मेरी मेरी शूज की स्टोरी लगा रखी है देखो, ये जूते पहनने के बंद नहीं कर दिए। चलो तो भाई अब अंदर चलते हैं, बहुत देर हो गई, कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए वेट करते हो, कितने बजे आ गए? 6 बजे आ गए थे हम, है ना, 6 बजे से 8:45 किया अपनी बोर्डिंग कर रहे हैं, और भाई साहब पता नहीं कितने देर में पहुँचेंगे, कहाँ जा रहे हैं, अब स्टोरी लगा दिया जाके देख लो, अब स्टोरी तो पहले ही लग जाएगी, ये तो लोग तो बाद में डलेगा। मैं सोच रहा लाइव चल रहा है। नहीं नहीं अभी ये नहीं दिखाना है। तो विंडो सीट पर बैठा था कोई बात नहीं भाई, हमने इनकी सीट क्या हुआ लास्ट टाइम वो बहुत कोशिश कर रहा है इसमें, फिर मैंने कहा उल्टी लगा रहा होगा, फिर मैंने कहा क्या बोलते हैं पता तो है बहुत, अब कुछ काफी टाइम हो गया बैठा नहीं, पहले तो बहुत बैठता था, मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे क्या करना है, पहले बैठता नहीं बैठता तो ठीक है, नहीं है तो नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो ओवरऑल स्मार्ट बनते हैं जी, बोर्डिंग हो गई है अपनी और मैंने विंडो सीट हटा ली है लड़के से, है भाई क्या हो, तो बोर्डिंग हो गई है अपनी, तीनों जा रहे हैं अभी नहीं बताएंगे, अभी और वेट कर लो थोड़ा सा, और कर लो भी पहुँच के फिर बता ही दूंगा कहाँ जा रहे हैं, जैसे भी है पता चल ही जाना है लास्ट में। और भैया विंडो सीट कुछ ऐसी मिली है, विंडो तो हैं दो बट दिखाई दे रहा है ना अभी, चलो कोई बात नहीं, अभी रात भी हो गई और टाइम हुआ है 8:45 और थोड़ी सी देर बाद वाइब आएगी, वाइब तो शेर ने चला ली बहुत बाइक, और शेर करेगा आराम, कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम, जा रहे हैं भाई 10 दिन के लिए, है भी ना 10 दिन ही हो जाएंगे ना ओवरऑल, हाँ ओवरऑल 10 दिन ही हो जाएंगे, 10 दिन की एक छोटी सी ट्रिप रहने वाली है, साथ में ब्रीफिंग में चल रहा हूँ। तो देख रहे हो भाई कैसे कैसे लोग आते हैं, टर्म एंड कंडीशन ही खा गए, अब पता नहीं करा क्या है, तो किसी बच्चे ने करा, क्या हो गया, क्या ढूंढ रहा है, अच्छा मेरी में तो ना दिख गई, तू दिख गई भाई, है तेरी है
तो भाई अपनी लाइफ जैकेट है ही नहीं, अगर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं इमरजेंसी तो भाई साहब मैं इनसे तेरी लेके भाग जाऊंगा। मतलब लाइव जैकेट, मतलब लाइव जैकेट, मतलब तेरी लाइव जैकेट लेके भाग जाऊंगा, तेरी लेके भाग। हाँ तो सीट भी ले ली, अब तेरी भी लेके भाग जाऊंगा मैं। चलो भाई बहुत हो गया जी, और स्टार्ट हो गया भाई। क्या देख रहे हो, ये क्या देख रहा है, इसे उतार। क्या देख रहा है, एनीमे 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 दिखियो, किसी लैंग्वेज दिखियो, लैंग्वेज जापानी भाई। देख रहे हो इसे नवाब का 14 हो रहा, जैपनीज में देख रहा है, इंग्लिश भी ना, हिंदी तो है ही ना, और शायद ना हिंदी भी है। और देख रहे हो भाई फुल फील वाइब ले रहा है लड़का, वाइब ले रहा है। क्या बोल रहा है इधर, बोल कर चलाइयो चलाइयो इधर। ये क्या कह रहा, तई मांगो हिंगो चिवाइयो भाई, ये क्या है, यही है भाई, समझ में आ रही है क्या कह रहा है, बताइए क्या कह रहा है। कह रहा था घर जाके सो जाओ, सड़ो बहुत देर हो गई तुम्हें बाहर आते। भाई एक क्वेश्चन पूछूं, स्टाफ से लेके पैसेंजर बनने तक का सफर कैसा रहा तेरा? वही फ्लाइंग का टाइम हो गया है, अब करने वाले हैं भाई दिल्ली को बाय बाय। भाई कर दो बाय बाय, करना बाय बाय, फिर लेके जाएगा रनवे पे और फिर देखना कैसे भागता है भाई। शेर है शेर, हमें बर्बाद करके आकाश एयरवेज के अब चल गए, हमें यहीं छोड़ दिया बीच में। ये सही हो गया, लाइट बंद हो गया, सुकून हो गया, आँखों पे ऐसे पड़ रही है वाली लाइट, पूछ मत। टेक ऑफ का टाइम हो गया, अभी टैक्सी वे पे चल रही है, अभी पहुंचने वाला है भाई अपना प्लेन कहाँ पे, ये वाली और प्लस ये वाली। यहाँ पे हाथ प्रॉपर यहाँ पे ऐसे रखना पड़ रहा है, अबे यहाँ भी सही है पर यहाँ थोड़ा सा हाथ को कष्ट देना पड़ रहा है, ये बीच में यहाँ होनी चाहिए। हर्ष बनाइए कुछ, बनाइए छो मंत्र करिए, छो मंत्र। हाँ हाँ भाई, अरे अरे चल आ जा, थोड़ी सी देर में उड़ान भरने वाला है, अब शेर उड़ के दिखाएगा, शेर उड़ जाओ, स्टार्ट हो जाओ। हाँ सुन तो सही, सुन जैसे ही उड़े और ये बीच में से टूट जाए क्या होगा तेरा? तो बहुत देर से देख रहा है, उड़ ही नहीं रहा है, उड़। इस प्लेन की कमान मेरे हाथ में दी जाए, मैं उड़ाऊंगा इसे, बात करके आ जाओ इससे, पायलट से बात करके आ जाओ। ना 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 इतनी जल्दी, इतना सीरियस मत हो, जल्दी से देख, अभी भी टैक्सी वे चल रहा है मेरा। चलो भाई अपनी फ्लाइट पहुंच चुकी है रनवे पे, और सीट वीट पहन ली है, बट हम पे तो है ही ना ये वाली, तो चलो कोई बात ना, अभी इस पर फोकस करते हैं। भाई कर दो, भाई एक ऐसी आवाज कर रहा है। देख के पता चलता है दुनिया कितनी छोटी है, अबे दुनिया कितनी छोटी है, इतनी सी, अबे इतनी सी। अभी ये लैंडिंग हो गई है, चलो बहुत देर में जा गया, हाय हाय मशक्कतों के बाद में भाई लैंड हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं। चलो तुम्हें फाइनली बता ही देता हूँ, हम पहुंच गए हैं भाई गोवा, जो कि अपने 10 दिन की ट्रिप होने वाली है अपने भाइयों के साथ दोनों, और यहाँ पे करेंगे हम सिस्टम हैंग, तो अभी चलते हैं बाहर और जाके भाई होटल वोटल तो बुक कर दिए,
जाके करते हैं कैब बुक और देखते हैं, पहुँचते हैं अपना होटल का एड्रेस दे के। चलो भाई बैग भी मिल गए हैं बेल्टों पे से। अभी ये भैया ले जा रहे थे हमारा करके इनका भी शायद सेम ऐसे ही होगा। कोई बात नहीं जी, और गोवा में दोस्त यहाँ के भाई भी आने लगी हैं देखो। चलो गोवा पहुँच गए हैं फाइनली गाइस, और गोवा में बचाने वाले हैं 10 दिन सिस्टम एंड कर देंगे पता ही हमको। टैक्सी बुक करते हैं जाके, अभी पहुँचना है कैंटलम में, अपना होटल बुक किया है और यहाँ के कुछ ऐसे फिक्स प्राइस रहते हैं मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट से जाने का, जहाँ भी आपको जाना है पूरे के पूरे पैसे लिख रहे हैं और पैसे वैसे लिख रहे हैं, जैसे भी शटडाउन करना है अर्टिगा और ये उसी के हिसाब से। क्रिस्टा से जाना है तो भाई उसके पैसे आए हैं, शटडाउन लेनी है तो उसके पैसे, इस तरीके से अभी हम जा रहे हैं। ओके सर, ये लो भाई भैया सिंपल सी चीज़ एक कर लेनी है, यहाँ आने के बाद में कैब बुक कर लेनी है। यहाँ पे ओला चलती नहीं है कि ऑनलाइन बुक कर लो। यहाँ पे कॉर्नर्स खुले हुए हैं टैक्सी के, और जो पीछे देख रहे हो ये अभी खुला है एयरपोर्ट, अभी मतलब न्यू बिल्डिंग बनी है, टर्मिनल दूसरा बना है, पहले दूसरे पे उतरते थे, अभी चलते हैं और जाके भाई अपनी टैक्सी लेते हैं। और देखो भीड़ देखो यार, आए हाय सब सबको बनानी है छुट्टियाँ, और मैम को तो गर्मी भी लग गई है गर्मी लग रही है पीछे भी गर्मी लग रही है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे उनके जो अभी जैसे हम जिस भी एजेंसी से लेके आए थे, तो अभी यहाँ से कार मिलेगी और निकल लेंगे। चलो हम इससे जा रहे हैं तीनों के तीनों, अब निकलते हैं। कितनी देर का रास्ता है? चलो अभी एक घंटा इनके साथ बिताते हैं भैया के साथ, और पहुंचते हैं अपने होटल में, और फिर कहाँ जाना है उसके बाद में कुछ चलना है सीन है कुछ चलेंगे। गोवा में वाइब तो है, तो भैया चीतो पहुंच गए गोवा। गोवा पहुंच गए, ये अब क्या कर, लव यू गोवा। अरे 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 गोवा में पहुंचे नहीं है इनको, अशांति छा गई है इनके अंदर। शांति जो थी ना थोड़ी बहुत, जो एरोप्लेन में थोड़ी बहुत शांति थी, वो खत्म हो गई है। हमारे यहाँ गुल्ला मचा रहे हैं क्या टोटे हो रहा है। और अभी जाके दोनों प्लान बना रहे हैं कि एक तो कूदने वाला है स्विमिंग पूल में, एक जाने वाला है बीच पे, जो कि अपना जो रिजॉर्ट बुक हुआ है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है बीच के। तो अब दोनों प्लान बना रहे हैं कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, और पहुँचने ही वाले हैं, बस एक दो किलोमीटर बचा है। और ये मेन मार्केट है रात में, यहाँ की अलग ही चलती है। और वो कहाँ है अपने नाइट वाइट का सीन कहाँ है इधर का ज़्यादा? बागना बीच कौन सा? बागा। तो वहाँ पे कब चलना है फिर, कल लिया परसों? अच्छा रोज ही जाना है। अच्छा जी, तो अपना जो मेन लीड करेगा घुमाने वाला सिस्टम जो है इसका, वो ये घुमाने वाला है। दोस्त से मिलवाऊंगा और तो यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे, मतलब रिजॉर्ट में जो रूम है वो 2000 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैंडोलिम है, कैंडोलिम बीच के आसपास है ये पूरा इलाका। तो देखो एक देखो यहाँ भी है, ये इस तरीके के सारे यहाँ पे जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके के रिजॉर्ट बने हुए हैं। और यहाँ पे आके 2 दिन के लिए आ रहे हो, 3 दिन के लिए आ रहे हो, आपको रूम वूम मिल जाएगा बड़े अच्छे से, और यहाँ पे बीच बीच पे मज़े लो। और बहुत सारे बीच हैं और मेरे साथ अब घूमने को मिलेंगे पूरे 10 दिन। तो अभी चेक इन करते हैं, और हमने पहले बुक कर दिया था। क्या हुआ? चेक इन कर दिया। ऐसा कुछ रूम है आज रात के लिए ये मिला है, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे कुछ बुक किया था, मतलब कोई और है इसमें रूम में, और साथ में रिसेप्शन वाला भी नहीं है क्योंकि 1 बज गया रात के 1 बजे। तो अभी हाउसकीपिंग वाला था, उसने बोला सर आज रात के लिए आप इसमें रुक जाइए 3 जने। तो ये एक्स्ट्रा मेट्रेस पड़ा है और ये डुअल बेड। रात के 1:30 बजे चंपी ले ही जा रही है, सर में दर्द हो रहा हर्ष भाई तकड़ी करके कर दो मालिश, तेल मालिश। गोवा की सड़कों पे फिरते हुए दो लवारे, हाँ देखो तो भाई यहाँ पे पास में ही बीच है, और गेटअप ले लिया और निकलते हैं थोड़ा सा बीच में घूम के आते हैं। कौन सा किधर क्या 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 करना चाह रहे हो सर?
देखो, और जो कि मैं बोल रहा था, देखो यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके के रिजोर्ट हैं, पूरे में मिल जाएंगे तो मैं 2000 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 2-2.5-3 हज़ार इस तरीके से। और प्यारे प्यारे से प्रॉपर्टीज हैं, और भाई भाई भी अलग है कुछ। हर्ष जा तैर ले जाके। भैया बीच पे पहुंच गए हैं और कुछ ऐसे हैं यहाँ के नज़ारे। हाँ ये देखो, तो इसे वाइब आ रही है पूरी। हाँ ये नाचना स्टार्ट हो गया इसका। भाई तू भी नाच ले जाके, कंपनी दे दे इस लौंडे को। यहाँ के बीच की कुछ अलग ही वाइब है यार, क्या ही कहने। और ये पीछे देखो क्या ही बनाया हुआ है, एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट है जो कि ग्रिल्ड सी फूड बारबेक्यू है, और अलग ही वाइब दे रहा है। ये लाइटिंग वाइटिंग जो हो रखी है क्या ही कहने। और देखो यहाँ पे बोट वोट भी लगा रखी है, इसमें भी बैठ के आप अपनी मील एंजॉय कर सकते हो, और टेबल वेबल पे भी सिस्टम हैंग कर सकते हो। मज़ेदारी कल से आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तो देखो हमें खुद ही रात हो गई है, और मज़े दिलाते हैं आपको भी कल से और खुद। तो भाई खाना अपना लग गया, और अब सबसे पहले करनी है पेट पूजा। और पेट पूजा पता है कितने बजे हो रही है? 2-3 बजे पेट पूजा हो रही है। और ये कुछ यहाँ पे अभी ये चीज़ मिली है, बस फ्राइड राइस और ये फ्रेंच फ्राइज। और अभी रात हो गई है, ज़्यादा कुछ ओपन है नहीं, तो यहीं अपना बैठ के अपनी मील एंजॉय करते हैं। और भाई अगर आपको अलोन एकदम शांति भरा इलाका चाहिए तो कार्डियम बीच आ जाना। और मतलब के काफ़ी सारे वो है, प्रोनाउंसिएशन काफ़ी सारी होती हैं, कोई बोलता है कार्डियम, कैल्डियम, कैलिडियम, तो कैलिडियम बीच आना है आपको। और यहाँ पर देखो अभी जैसे रात हो गई, अब तो भीड़ भीड़ कम हो गई है, रात में आराम से बैठ कर, और देखो क्या शांति भरा सा इलाका लग रहा है। और देखो मून अभी तो आज तो हल्का सही है। अभी S23 Ultra देना जूम वीडियो लेते हैं। अरे तो अभी इससे एक फ़ोटो लूँगा जो कि इंस्टाग्राम रील आईडी पे मिल, मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी पे मिलेगी। भाई रील वील कहाँ बनेंगे, रील में डाल देंगे वैसे। और इसको करते हैं जूम, यानी टेप टू जूम। अभी देख लेना, फोटो डाल दूंगा। चलो तो वही व्लॉग को करते हैं यहीं पेंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट प्लीज। और कल से होगा घूमी घूमी स्टार्ट, कहाँ पे? गोवा में घूमी घूमी बीच पे। और इसको 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 समुद्र में नहलाएंगे, और इसको करेंगे नमकीन, और उसे देखेंगे, उसका भी कुछ करेंगे। और मैं अपने आप को खुद भी देखूंगा क्या बनना है मेरे को। स्विमिंग पूल में भी नहीं उतरती। अच्छा मैं बनने वाला हूँ हनी सिंह। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कल, और वाइब लेनी चालू करते हैं कल से।